प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। देखिए बेटा, हमारे समाकलन को हम पढ़ रहे थे और समाकलन में हम आ गए थे निश्चित समाकलन पर। निश्चित समाकलन में क्या होगा, हम लिमिट लगाएंगे। इसमें हम समाकलन नियतांक नहीं लेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, लिमिट। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक वस्तु पर, नोट्स में ना हो भेजे उसमें आप देखिए, यदि एक वस्तु पर परिवर्ती बल मीन्स ये बल कार्य कर रहा है एफ बराबर 3x+4, ये बल का मान है। इसे हमने परिवर्ती बल क्यों बोला है, देखिए जैसे जैसे वस्तु x का मान चेंज होगा बल का मान भी चेंज होगा, इसलिए हमने इसको बोला है क्या, परिवर्ती बल। ये बल कार्य कर रहा है x बराबर 1 मीटर से 3 मीटर तक। तो जब वस्तु पर ये बल कार्य करेगा x बराबर 1 मीटर से 3 मीटर तक, तो हमें कार्य की क्या करनी है, गणना करनी है। वैसे आप जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है कार्य का, 9th क्लास से हम पढ़ते हैं इसे। कार्य बराबर होता है क्या, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है कार्य बराबर, क्या होता है बेटा कार्य बराबर, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यदि बल को आप विस्थापन से गुणा कर देंगे तो कार्य आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब बल क्या हो, नियत हो, जब बल का मान नियत हो। तो मैंने बताया था आपको, हम समाकलन का उपयोग करते हैं छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ने में। देखिए जैसे मान लीजिए ये x बराबर 1 है मीटर और ये है x बराबर 3 मीटर। अब हमें इस किसी कण को हम 1 मीटर से 3 मीटर तक लेकर जा रहे हैं और उस पर इतना बल कार्य कर रहा है। अब ये बल परिवर्ती है, परिवर्ती बल है, तो हम इस पर एक छोटा सा क्या लेते हैं, अल्पांश dx। अब इस अल्पांश पर किया गया कार्य होगा एफ डी एक्स बल गुणा विस्थापन से। तो यहां से यहां तक ले जाने में संपूर्ण कार्य निकालने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन। अब वहां हमें लिमिट भी दी हुई है। लिमिट क्या दी हुई है कि हमने इस वस्तु को हम ले गए हैं एक्स बराबर 1 से लेकर एक्स बराबर 3 मीटर तक। तो एक्स की लिमिट लगेगी यहां पर 1 मीटर से 3 मीटर तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कार्य का। थोड़ा सा हम केसेस फॉर्मूले पे आए, थोड़ा सा और देखें। माना ये छोटा सा अल्पांश, इस छोटे से अल्पांश पर किया गया छोटा सा कार्य dw। तो dw बराबर आएगा एफ डी एक्स। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे यहां से यहां तक टोटल कार्य निकालने के लिए। अब यहां समाकलन हो रहा है w के सापेक्ष, तो यहाँ एक पर हमने कोई कार्य नहीं किया था तो कार्य का मान 0, और 3 तक ले जाने में मान लीजिए हमने W कार्य कर दिया। यहाँ x की लिमिट आएगी 1, यहाँ पर जब हमें तब x का मान कितना है 1, और जब यहाँ आ गए तो x का मान कितना हो गया 3। तो अब dW का समाकलन तो होगा W, और जब आप लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट W, तो अपर लिमिट माइनस अब W ये रखेंगे 0, ये W माइनस 0 मतलब क्या बनेगा W, इधर ये x से 3 f dx, तो ऐसे फॉर्मूला बन जाता है। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि w बराबर 1 से 3 f dx। अब हम यहां f का मान रखकर इसका समाकलन कर देंगे। देखिए f का मान कितना हो गया, f का मान यहां पर है कितना, 3x+4 dx, ये यहां पर f का मान। अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ध्यान से देखिए आप, यहां पर 3 तो होगा कांस्टेंट, समाकलन होगा x का, और x का समाकलन का फॉर्मूला याद होगा आप सभी को, समाकलन x की घात n बराबर x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ही होता है। तो यहां पर n की जगह कितना है 1, तो n प्लस 1 यानी x की घात 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/2 प्लस 4 तो कांस्टेंट, इसके साथ क्या आएगा x, तो 4 dx, तो dx का समाकलन क्या होगा x, ठीक है। अब आप इस पर क्या लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। नोट्स में हमने स्टेप बाय स्टेप पहले 3x को अलग कर लिया, 4dx को अलग कर लिया, नोट्स में आप देखेंगे तो अलग अलग समाकलन कर लिया, वो तरीका भी सही है, थोड़ा उसमें स्टेप ज्यादा आएंगे, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, बात एक ही है। अब देखिए आप w इक्वल टू, पहले आप उसमें क्या रखिए, अपर लिमिट कितनी है 3, सॉरी यहां पर 1 आएगा, आप देख रहे हैं लोअर लिमिट कितनी है 1, तो यहां पर 1 आएगा।
तो तीन एक्स की जगह रखिए तीन, तीन का स्क्वायर बटा दो प्लस चार गुणा तीन, ये आपने रख दी है अपर लिमिट, ठीक है। माइनस साइन लगाइए, अब रखिए क्या लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, निम्न सीमा कितनी है एक, तो x की जगह क्या रख दीजिए अब आप एक, एक का स्क्वायर प्लस चार गुणा एक, क्या बन गया भाई, ये बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा सत्ताईस बटा दो प्लस बारह माइनस तीन बटा दो प्लस चार, आगे इसको आप इजीली एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करेंगे कितना आएगा देखिए आप, तो ये आ गया डब्ल्यू इक्वल टू, तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो चौबीस सत्ताईस और चौबीस ग्यारह और ये आ गया दो दो चार एक पाँच इक्यावन बटा दो माइनस, यहाँ भी आपने दो एलसीएम ले लिया तो आठ तीन ग्यारह बटा दो, तो ये आ गया डब्ल्यू इक्वल टू इक्यावन में से ग्यारह जाएंगे क्या बचेगा चालीस, चालीस बटा दो यानी कितना आ गया बीस जूल, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और देखिए, इसी पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का वेग, हमें क्या दे दिया वेग, किसी वस्तु का वेग v बराबर तीन टी स्क्वायर प्लस दो मीटर पर सेकेंड है, तो इस वस्तु द्वारा प्रथम तीन सेकेंड में तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए प्रथम तीन सेकेंड में मतलब टी वन तो हो जाएगा जीरो और टी टू हो जाएगा तीन सेकेंड में तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए, याद कीजिए हमने जब वेग दिया हुआ हो, विस्थापन दिया हुआ हो तो वेग कैसे ज्ञात किया था, अवकलन के अनुप्रयोग में ध्यान दीजिए वेग बराबर क्या होता है डी एस अपॉन डी टी, ये वेग है तो ये विस्थापन होगा, अगर ये चाल है तो ये दूरी हो जाएगी, पता है तो आपको, अब डी एस इतना जाएगा यहाँ पर बताइए डी एस बराबर आ गया क्या वी डी टी, हमें एस का मान निकालना है दोनों तरफ क्या कर दीजिए समाकलन, यहां पर तो लिमिट आएगी टी वन से टी टू और ये मान लेते हैं कि टी वन पर विस्थापन कितना था जीरो और टी टू समय पर विस्थापन कितना हो गया एस, तो अब डी एस का समाकलन एस अपर लिमिट एस है लोअर लिमिट जीरो तो एस ही आएगा, तो एस इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया टी वन टी टू वी डी टी। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, क्वेश्चन में देखिए हमें विस्थापन निकालना है, टी वन का मान कितना है जीरो है, टी टू का मान कितना है बताइए तीन प्रथम तीन सेकंड में, और वी का मान हमें कितना दिया हुआ है, वी का मान हमें दिया हुआ है तीन टी स्क्वायर प्लस दो, तो यहां कितना आ गया ये अब ए डी टी, अब इसका क्या कर देंगे हम समाकलन। अब नोट्स में यहां पर शॉर्ट में क्या हुआ है, आप चाहे तो इसका अलग समाकलन कर सकते हैं, इसका अलग समाकलन कर सकते हैं। अब देखिए आप s इक्वल टू तीन टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा t की घात तीन बटा तीन प्लस दो डी टी के साथ तो t ही आएगा, अब आप क्या लगा देंगे लिमिट जीरो से तीन, अब इसमें जब लिमिट लगाएंगे पहले आप तीन से तीन तो कैंसिल, पहले आप लगाएंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है थ्री, रखिए थ्री, थ्री टू दी पावर क्यू प्लस टू इंटू थ्री, ये तो आ जाएगी अपर लिमिट माइनस साइन, अब आप लोअर लिमिट रखिए यहां पर भी जीरो और यहां पर भी जीरो, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, तो यहां पर एस इक्वल टू क्या होगा एस इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्स, यानी एस का जो मान है वो कितना आ जाएगा 33 मीटर, मतलब जिस कण का वेग इस फलन से दिया जाएगा वह कण प्रारंभ के तीन सेकंड में कितना विस्थापन तय कर लेगा, वह कण प्रारंभ के तीन सेकंड में 33 मीटर विस्थापन तय कर लेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये दो क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, दोनों क्वेश्चंस नोट्स भी भेजे इनके हमने आपको और ये आपको बोर्ड पर भी सोल्व करवा दिए, ठीक है। तो ये था निश्चित समाकलन, तो आपको आप अंतर समझ में आ गया, आप जब हम अनिश्चित समाकलन लेते हैं ना उसमें तो जैसे x क्यूब आ गया मान लीजिए x क्यूब dx, तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो x की घात 4 बटा 4 हो गया,
समाकलन x की घात n वाले फॉर्मूले से हो गया 4, x की घात 4 बटा 4 प्लस, अब कोई लिमिट नहीं थी तो यहां क्या लगा देते हैं, समाकलन नियता। और जब निश्चित समाकलन होगा जहां लिमिट होती है वहां हम लिमिट लगाते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस साइन फिर लोअर लिमिट, उसमें समाकलन नियतांक नहीं लगाया जाता है। कल हम ऐसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे समाकलन के ऊपर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक आप ये दो क्वेश्चन को नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।